हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एरिका। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 2.4। आज इस वीडियो में रहेंगे इस एक्सरसाइज के फर्स्ट टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक्स विद एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दीजिए। तो देखो, ये जो आपकी एक्सरसाइज है, दिस इज़ रिलेटेड टू द डिवाइड क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें डिवाइड के क्वेश्चंस आएंगे फ्रैक्शन से। ध्यान से समझना, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 12 / 3/4। सो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमारे पास है 3/4। सो यहाँ हम 12 के नीचे क्या ले लेंगे, 1। यहाँ तक समझ आया? जस्ट इस स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे नोट डाउन किया। अब देखो, हम किसी भी फ्रैक्शन को डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमें 3/4 का टेबल नहीं आता। अगर इसको डिवाइड करना है, हमें कैसे करना पड़ेगा, यहाँ 3/4 एंड यहाँ पे 12 या 12/1, है ना। सो ये तो बड़ा रॉन्ग मेथड है। हम इसको डिवाइड करने के लिए, इसको ईजी करने के लिए क्या करते हैं, इस डिवाइड के क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेते हैं हम मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन में। कैसे? देखो, जो फर्स्ट टर्म है उसको तो हम लिख लेंगे एज इट इज लाइक दिस, और इस डिवाइड के साइन को क्या बना देंगे हम, मल्टीप्लाई का साइन। अब मल्टीप्लाई का साइन बनाया तो हमें इस टर्म को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल कैसे? जो डेनोमिनेटर है वो बन जाएगा न्यूमिनेटर, एंड न्यूमिनेटर क्या बन जाएगा, डेनोमिनेटर। अब मल्टीप्लीकेशन तो हमें आती है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 12/1 × 4/3। ठीक है, अब इसको सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है। वो मल्टीप्लाई आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, या तो आप न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से करो, देन डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से करो, फिर सिंप्लीफाई कर दो। अदरवाइज पहले ही सिंप्लीफाई करके चलते हैं। देखो, 12 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, दिस इज कटिंग बाय 3, 3 × 4 = 12। नाउ और कुछ भी नहीं कट रहा है, देखो 4 1 है 4 1 है, और ऊपर वाले को हम ऊपर वाले से कट नहीं कर सकते। नाउ 4 × 4 = 16, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1, या हम सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, 16। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो क्या आ गया हमारे पास, 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी ध्यान से समझना, दोबारा क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट इस क्वेश्चन में रह गए। नेक्स्ट वन इज 14 / 5/6। तो यहाँ 14 के नीचे पहले हम क्या ले लेंगे, 1। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन में। फर्स्ट टर्म विल रिमेन द सेम, डिवाइड के साइन की जगह हम क्या लगा लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन। एंड जो सेकेंड टर्म है उसका हम यहाँ क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। 6 डेनोमिनेटर है, इट विल बी न्यूमिनेटर, एंड 5 न्यूमिनेटर था, अब क्या बन जाएगा वो, डेनोमिनेटर। अब इसकी क्या करनी है हमें, मल्टीप्लीकेशन। तो देखो, 14 1 से कट रहा है, 1 से तो कुछ भी नहीं है, 14 5 से कट रहा है, नो। अब 6 देखो, 6 1 से एंड 6 5 से नहीं कट रहा है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नाउ 14 × 6, इट विल बी 6 7 8 84/5। सो सेकेंड क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 84/5। समझ आया? थर्ड पे चलें, थर्ड भी आपका सेम ही आपको डिवाइड में दिया हुआ है। अब थर्ड क्वेश्चन इज 8 / 7/3, यहाँ हम क्या ले लेंगे, 1। अब इसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन में, 7/3 का क्या बन जाएगा, 3/7। अब देखो, इनकी कटिंग हो रही है, किसी के साथ भी नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 8 × 3 = 24 एंड 7 × 1 = 7। तो सिंपली हमारे थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया, 24/7। इजी। फोर्थ क्वेश्चन देखो, यहाँ अगेन हम क्या ले लेंगे, 1। सो इसका क्या बन जाएगा, 4 1 1 × 8/3 का रेसिप्रोकल, 3/8। अब देखो, इसकी कोई कटिंग होती है, 4 1 से 4 8 से, यस 4 8 से कट रहा है, 4 1 = 4 एंड 4 2 = 8। 3 की किसी से कटिंग हो रही है, नो। सो क्या करेंगे, 3 1 = 3 एंड 2 1 = 2। तो सिंपली हमारा क्या आंसर आ गया यहाँ पे, 3/2। समझ आ रहे हैं? नेक्स्ट देखो, यहाँ आ जाएगा 1 3/1 divide। अब देखो, इसको सॉल्व करो, 3 2 = 6 6 + 1 7/3। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, इट विल बी 3/7। अब देखो, किसी से कट रहा है ये, क्या नहीं कट रहा, सो हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई, 3 3 = 9 एंड 7 1 = 7। तो फिफ्थ का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 9/7। समझ आ रहा है ना क्वेश्चन? इसके हम लास्ट पार्ट करते हैं अब, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में अगेन यहाँ 1 ले लेंगे, दिस विल बी 5/1 divide, 7 3 = 21, 21 + 4 = 25/7। अब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, इट विल बी 7/25। अब इसकी क्या करनी है हमें, सिंप्लीफिकेशन। तो देखो, 5 1 = 5, 5 5 =
25 नाउ 7 1 7 एंड 5 1 5 तो लास्ट क्वेश्चन का हमारे पास क्या आंसर आ गया 7/5. बस आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो आपको जो सेकंड टर्म है उसका रेसिप्रोकल कर देना है. लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में आपके पास दिए हुए हैं कुछ टर्म्स. फाइंड द रेसिप्रोकल, इन सब का रेसिप्रोकल निकालना है और बताना है कि जो रेसिप्रोकल निकाल के आंसर आया वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है. सो सबसे पहले समझो प्रॉपर इम्प्रॉपर एंड होल फ्रैक्शन होती क्या है. तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जब हमारा डेनोमिनेटर बड़ा होता है एज कम्पेयर टू न्यूमिनेटर. फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1 स्मॉल है मतलब न्यूमिनेटर स्मॉल है. बट इम्प्रॉपर इसका ऑपोजिट होता है जब हमारा न्यूमिनेटर बड़ा होता है एज कम्पेयर टू डेनोमिनेटर. फॉर एग्जाम्पल 2/1. एंड होल नंबर क्या होता है, होल नंबर हम उसको बोलते हैं जो फ्रैक्शन में नहीं होता. लाइक मैंने यहाँ पे लिखा 22 जिसका कोई डेनोमिनेटर होता ही नहीं है. सो ये तीनों होती है हमारी प्रॉपर इम्प्रॉपर एंड होल फ्रैक्शंस. तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं किसका क्या आंसर आएगा. इसका पहले रेसिप्रोकल करो, न्यूमिनेटर विल बी डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी न्यूमिनेटर. आप देखो इसका न्यूमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर बड़ा इट मीन्स दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके सेकेंड वन इज 8/5. अब फिर हमारे पास न्यूमिनेटर बड़ा आ रहा है, न्यूमिनेटर बड़ा कौन सा है हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. थर्ड वन इज 7/9. अब हमारा न्यूमिनेटर छोटा हो गया तो क्या बन जाएगी, ये प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट वन इज 5/6. अब फिर न्यूमिनेटर क्या है हमारा, छोटा है तो अगेन ये वाली कौन सी फ्रैक्शन आ गई हमारे पास, प्रॉपर. नेक्स्ट वन इज 7/12, ये भी कौन सी बन जाएगी हमारी, प्रॉपर. नेक्स्ट वन इज ओनली 8. ओनली 8 क्यों बच्चे, जब हम 8/1 लिखते हैं उसको हम 8 भी लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो इट विल बी सेम. तो ये कौन सी आ जाएगी हमारे पास, होल नंबर, क्योंकि होल नंबर में डिनोमिनेटर नहीं होता है. लास्ट वन इज 11, तो ये भी कौन सा बन जाएगा हमारे पास, होल नंबर. इन शॉर्ट ये भी वैसे होल नंबर, आप यहाँ पे कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो लाइक 3/2. ठीक है, समझ आया. सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके वी विल डिस्कस नेक्स्ट टू क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 3 and 4 इन अवर नेक्स्ट क्लास. आज की क्लास में कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.